वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज उपमा बनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने एक कटोरी सूजी ली है। इसको पहले रोस्ट करेंगे खाली पैन में अच्छी तरीके से, जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए, लाल सा ना हो, तो कलर चेंज ना हो जाए, मीन्स जब तक इसको हम भूनते रहेंगे। और गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगती है तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे, और मेरी कमियों को बताएगा क्या मैं कमी कर दूँ अपनी वीडियोस में। और मुझे ये उपमा ना बचपन से ही पसंद है। मैं जब मुझे खाना कुछ बनाना भी नहीं आता था बचपन में, जब से मैं उपमा तो मैं बनाती थी अपने लिए, स्पेशली लगी रहती थी। फिर ये अब इसकी खुशबू आने लगी है, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया सूजी का, तो मैं दूसरे बर्तन में निकाल दिया। आप लेंगे घी, आप कोई ऑयल वगैरह रिफाइंड कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं देसी घी थोड़ा सा यूज कर रही हूँ। फिर इसमें तड़का लगाएंगे सरसों करी पत्ते का, और काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है उपमा में मुझे करी पत्ते सरसों का और हरी मिर्च का ना, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इसको अच्छे से गर्म घी में हम सरसों डाल राई डाल के अच्छे से इसको भूज देंगे। सरसों भी बोलते हैं आई थिंक ना, हमारे घर में सरसों बोलते हैं इसलिए। और करी पत्ता हरी मिर्च डाल के उनको तड़का लगाएंगे अच्छे से, इसको पहले हम भून लेंगे। फिर कुछ अगर आपके घर में वेजिटेबल्स कुछ भी अवेलेबल हो, जब कुछ भी आप पसंद करते हो वो वेजिटेबल डाल सकते हैं। मेरे पास गाजर थी और प्याज तो डालते ही हैं, और प्याज भी डाल दिया मैंने, और एक गाजर थी मेरे पास, और कुछ बीन्स हैं, हरी बीन्स जो होती हैं वो डाली है मैंने, और ऑनली नमक डाला है मैंने, स्वाद अनुसार डाल, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप लोग उसमें नमक। और थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी जब तक, जो भी वेजिटेबल्स हैं इसमें अच्छे से पहले मैंने फ्राई कर लिए सारी वेजिटेबल्स को, फिर पानी डाला थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए, हल्का सा ही पानी डालना बस आप लोगों को। फिर जैसे ही सब्ज़ी थोड़ी सी सॉफ्ट होने लग जाएगी, आप फिर इसमें दोबारा से सूजी डाल दे, सूजी जो रोस्ट करके रखी है हमने साइड में, आप वो सूजी डाल सकते हैं। फिर तो मेरी सब्जी होगी सॉफ्ट, मैं सूजी डाल दी है अपनी, अब उसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे सब्जी के साथ भी अच्छे से एक बार और घी के अंदर। फिर ये हम लोग पानी डाल देंगे इसके अंदर एक गिलास भर के, फिर इसको थोड़ी देर पकने देंगे। हमें गैस का फ्लेम हमेशा मीडियम लो रखना है आपको, इसमें ज़्यादा हाई नहीं करना है, नहीं तो आपका उपमा जल सकता है। और इसको बस थोड़ा सा अपने उसके अनुसार देख लेना कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है सूजी। मैंने फाइन सूजी नहीं करी है, मोटी सूजी है मेरे पास ही, और मोटी सूजी का ही उपमा बन, और हमारा उपमा रेडी हो चुका है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।